सकूंगा आज के बारे में, आज का जो शूट हो रहा है, ये जो डांस सीक्वेंस है, कौन सी फिल्म का है, क्या इसका मतलब कहानी है और किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? ये निरहुआ द लीडर की शूटिंग चल रही है और आखिरी दिन है शूटिंग का। हम लोगों ने इसकी पूरी शूटिंग कर लिया था आजमगढ़ में। दो तीन गानों की शूटिंग मुंबई में होनी थी, तो हम लोग तीन चार दिन से यहाँ पे शूट कर रहे हैं विरार में। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मामाची वाड़ी है, जहाँ बहुत अच्छा लोकेशन है और पूरा फार्म है, बीच है। तो आज आखिरी गाना शूट हो रहा है निरहुआ द लीडर का। अपना क्या बताइए, क्या करना चाहेंगे, क्या किरदार निभा रही हैं और जो डांस सीक्वेंस उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने फिल्म की शूटिंग आज से दो तीन महीने पहले कंप्लीट कर ली थी आजमगढ़ में। खाली दो गाने बचे हुए थे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और आज हम जो गाना शूट कर रहे हैं वो यहाँ पर बीच पर शूटिंग कर रहे हैं, पूरा सैंड के बीच में। और हमारे कोरियोग्राफर हैं कानू मुखर्जी जी, कानू मास्टर जी, और जैसे दादा हमेशा बहुत अच्छा डांस करवाते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिलवाते हैं, वही इस गाने में भी वो कर रहे हैं। और मुझे 100% एफर्ट डालना पड़ता है कि उनका किया हुआ का 1% तो कर पाऊँ, तो वही कोशिश में लगी हुई हूँ कि अच्छा कर सकूँ। दिनेश जी, जानना चाहूँगा, ये तो मतलब फिल्म की बात हो गई, ऐसे आपने भी मतलब राजनीति में अपना कोशिश किया, क्या कहना चाहेंगे, लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए अगर उसको नेतृत्व करना है? मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी है एक लीडर के लिए, उसको सबसे पहले एक आम इंसान बन के पहले रहना चाहिए, तो ही वो आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, उसको समझ पाएगा। हवे में रह के कोई इंसान चाहे लीडर बन जाए, हीरो बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो नहीं समझ पाएगा कि धरातल पे चीज़ें क्या है, लोगों को क्या तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि एक लीडर के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि उसको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, और एक आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा जगत में भी, राजनीति जगत में भी, दोनों में चुनौती होगी, आपको क्या कहना चाहेंगे, किस में चुनौती ज़्यादा आपको नज़र आई और क्या अंतर नज़र आया आपको दोनों में? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा है। नियत की बात होती है कि आप किस नियत से कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और हम इस नियत से काम करते हैं कि हम एक ऐसी फिल्म में काम करें, एक ऐसी फिल्म बनाएं कि उस फिल्म से जो है लोगों को इतना आनंद आए कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत ग्रोथ मिले, खूब नाम हो और चारों तरफ भोजपुरी सिनेमा का डंका बजे, और उसके जब साथ में जब वो फिल्म सफल होगी तो उस फिल्म के सारे कलाकार को सफलता मिलेगी, साथ में मुझे भी सफलता मिलेगी। तो इस नियत से ही करते हैं किसी फिल्म में काम कि वो फिल्म बहुत अच्छी बन जाए, बहुत हिट हो जाए, खूब लोगों को पसंद आए, ताकि सबका जो है वो नाम हो, शोहरत मिले और आगे भी और अच्छा अच्छा काम करने को मिले। सेम बात राजनीति में भी है कि यही इच्छा होती है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके लिए आप ऐसा क्या कर पाते हैं उनके लिए कि वो जो है आपको एक अच्छे नेता के रूप में देख पाएं और वो चाहें कि आप बार बार उनके बीच में आएं। ये भी बहुत परिवर्तन है देश में, अभी नागरिक संशोधन मैं जानकारी रखता हूँ। मैंने यही जाना है कि ये जो नागरिकता संशोधन बिल आया है वो भारत के किसी भी नागरिक के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगा और ना ही किसी को दिक्कत आएगी। कुछ लोग हैं जो राजनीति बस लोगों में गलत मैसेज भेज के उनको भड़का रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा, इस तरह की बातें फैला के लोगों में अविश्वास पैदा करके और उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है जो सच है वो लोगों को जानना चाहिए। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जानूँ, समझूँ कि ये क्या है। वैसे हर नागरिक का ये धर्म है, कर्तव्य है कि पहले समझो, उसको जानो कि ये जो बिल आया है उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला है, या ऐसे ही आप किसी के कहने पर जो है रोड पर उतर गए और देश की संपत्ति को नष्ट करने लगे, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए।
अब बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस आप देख ही रहे हैं कि सारी जी गए थे फिर आप भी गए, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का आपको लग रहा है मतलब माहौल बिग बॉस का? और सबसे बड़ी बात है कि आप गए थे और इतना सुकून से वहाँ पे कैसे मतलब रहते थे कि इतना बनावटी माहौल है वहाँ का, किस क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ही कहा कि अगर आप सच में हवे में नहीं हैं तो आप कहीं भी बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मुझे लगता है बिग बॉस का घर हो या आपका घर हो, कहीं पे भी, जैसा खिसारी जी भी गए थे तो मुझे अच्छा लगा उनका, जो वो हैं जैसा उनका नेचर है वैसा वो रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे वो कुछ और बनने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि वो जो फॉर्मेट है बिग बॉस का, उस फॉर्मेट में जिस तरह का इंटरटेनमेंट निकल के आना चाहिए उसके लिए वहाँ लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, आपको हर बात पे जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हम लोग इस तरह के व्यक्ति हैं, चाहे मैं हूँ चाहे खिसारी जी हैं, हमारा नेचर ये है कि आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो कर लीजिए, हमको उससे कुछ नहीं लेना देना, हम चुप रहेंगे। तो इस तरह के लोगों के लिए वो शो नहीं है बेसिकली, वो इस तरह का शो है कि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसका जवाब दो, आप उसे लड़ो, उससे झगड़ो। मैं जब बिग बॉस में था तो मुझे याद आया, उर्वशी ने एक दिन सुबह जो है मेरा नाश्ता बना रही थी और उन्होंने उसमें बहुत सारा मिर्ची, बहुत सारा नमक डाल के उसको बहुत खराब कर दिया, वो अपने हिसाब से उन्होंने खराब कर दिया। उनको टास्क मिला था, बिग बॉस ने टास्क दिया था कि आप जो है नाश्ते को खराब कर दीजिए, खराब कर दिया। और मुझे मालूम नहीं है, मेरे टेबल पे आया, मैंने अपना खाया, थोड़ा नमकीन लगा, थोड़ा तीखा लगा, मैंने खा लिया, ख़त्म किया। उर्वशी भी वहाँ से देख रही हैं कि ये कैसे खा गया, ये तो पूरा मिर्ची नमक, इस तो कुछ बोला ही नहीं। बिग बॉस भी सोच रहे हैं ये तो पूरा खा लिया, कुछ लफड़ा हुआ ही नहीं। तो बाद में वो लोग बोले कि आपका जो नाश्ता था वो बिगाड़ा गया था, उसमें इतना मिर्ची नमक, आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मैं बोला मेरे घर में भी अगर ऐसा होता, मेरी माँ बहन मेरे लिए नाश्ता बनाती, थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाता मिर्ची, तो मैं थोड़े उन पे चिल्लाता, तो मैं उन पे नहीं चिल्लाता तो मैं इन पे क्यों चिल्लाऊं? तो बात इतनी सी है कि आप जब, आपका वो नेचर ही नहीं है कि आप घर में चिल्लाते तो आप बाहर कैसे चिल्लाओगे। तो हम इसलिए वहाँ पे उस तरह से थे, खिसारी जी गए तो वो भी थे, और जो लोग उस फॉर्मेट में इंटरटेन करना जानते हैं कि भाई हम क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, उस हिसाब से जो लोग करते हैं वो इंटरटेन कर रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है। मैं खुद भी देखता हूँ, मुझे भी मजा आता है। लास्टली हम लोग कपिल के शो में गए, वहाँ भी इंटरटेन किया, आपने क्या कहना चाहेंगे कपिल के शो के बारे में, किस तरह से आप देखते हैं शो? बहुत धमाल, बहुत मस्ती, और सबसे ज्यादा तो मस्ती आम्रपाली जी ने किया, और मुझे लगता है अर्चना जी से भी ज्यादा ये हंसी है। क्या कहना चाहेंगे कपिल के शो के बारे में? बहुत मजा आया वहाँ पर। मैं सुधाकर मिश्रा, अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़, और हम लोग एक फ़ोटो सॉरी अपना फिल्म शूट कर रहे हैं निरहुआ द लीडर, जिसकी हमारी शूटिंग जो है तो मेन शूटिंग फिल्म की हुई है आजमगढ़ में, आजमगढ़ बनारस लखनऊ से, और अभी हम मुंबई में अरनाला ब्रिज में अपना गाने की शूटिंग कर रहे हैं। ये जानूंगा कि आमरपाली जी और निरहुआ जी मतलब दिनेश जी हैं फिल्म, इसके अलावा कौन कलाकार हैं और किस तरह की फिल्म है बेसिकली, ये क्या कहानी क्या है इसमें? बेसिकली फिल्म हमारी एक पॉलिटिक्स के ऊपर है, है ना, और एक राजनीति के ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है, और पॉलिटिक्स भी है, रोमांस भी हैं, गाने भी हैं, और काफ़ी सारे आपको फीचर्स हैं फिल्म में हमारे जी। तो फिल्म में क्या अभिनेता के, ये नेता के तौर पर दिखेंगे दिनेश जी? एक्चुअली शुरू में अब ये नेता के तौर पे नहीं है, इसके बाद जो है इनका लीडरशिप का रोल आता है, स्टार्टिंग में जो है तो एक आम नागरिक के रूप में। हालांकि इलेक्शन में खड़े हुए थे मतलब नेता के तौर पर जिंदगी में भी, तो क्या करने कितना फायदा होगा दर्शक, कितना उनको मतलब? दर्शक इनको काफ़ी वहाँ पसंद किए हैं, आजमगढ़ में इन्होंने मतलब सांसद के लिए चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे, और इन्होंने एक सीएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था, है ना, और काफ़ी लोकप्रिय हैं वहाँ ये, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो जाना चाहूँगा कब तक रिलीज डेट क्या है इस फिल्म का? रिलीज डेट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि समथिंग होली के आसपास जो है रिलीजिंग करेंगे। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स आप हैं जो कर रहे हैं? अभी बातें चल रही हैं और जल्दी ही हम लोग कुछ फिल्में लेके आ रहे हैं जी।